देश में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच केंद्र सरकार ने अब 1 मई से 18 वर्ष के अधिक आयु वाले लोगों को वैक्सीन लगाने का फैसला किया है। अभी देश में 45 से अधिक उम्र के लोगों को वैक्सीन लग रही थी। 18 साल से अधिक उम्र के लोग टीका लगवाने के लिए 28 अप्रैल से कोविन ऐप और आरोग्य सेतु ऐप पर अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। 18 साल से जो अधिक उम्र के लोग हैं उनके लिए सरकार 1 मई से वैक्सीनेशन शुरू करेगी। आइए हम ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के बारे में अब विस्तार से आपको बताते हैं कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हम साइट पर जाके कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले गूगल पर जाके हम cowin.gov.in को एंटर करेंगे। इसको एंटर करते ही आप देखेंगे .gov.in की वेबसाइट आपको दिख रही है। इस पर क्लिक करते ही आपको ये वेबसाइट खुल जाती है और यहाँ वेबसाइट खुल जाती है तो यहाँ पर आपको रजिस्टर साइन इन योर सेल्फ इस तरह का एक मार्क आपको दिख रहा है। इस पर आप जब क्लिक करेंगे तो आपका ये रजिस्ट्रेशन का फॉर्म खुल जाता है। इस रजिस्ट्रेशन के फॉर्म में सबसे पहले हमको अपना मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड करना है। इसके अलावा अगर आपके मोबाइल में आरोग्य सेतु है और आपने उसको डाउनलोड कर रखा है तो उससे भी आप अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। इस मोबाइल नंबर को रजिस्टर करने पर एक OTP हमारे पास आता है और उस OTP को हमें यहां पर टाइप करना है और जब हम ये OTP जो हमारे पास मोबाइल में आया उसको जब टाइप कर देते हैं और वेरीफाई पे क्लिक करते हैं तो हमारा रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुल जाता है। रजिस्ट्रेशन फॉर्म में शुरुआत में वो आपसे एक आपका पर्सनल आईडी कार्ड मांग रहे हैं। जैसे मैंने यहाँ पर पैन कार्ड को क्लिक किया है, अब मुझे अपना पैन कार्ड नंबर यहाँ लिखना है। ये देखिए मैंने अपना पैन कार्ड नंबर इसमें लिख दिया और जब ये पैन कार्ड नंबर मैंने लिख दिया तो उसके बाद नाम का कॉलम है, नाम मुझे अपना भरना है। नाम भरने के बाद में जेंडर के बारे में पूछा है, इसमें जेंडर भर दिया और जेंडर के बाद डेट ऑफ बर्थ, इसमें सिर्फ ईयर भरना है और कुछ नहीं भरना कि आपके किस साल आपका जन्म हुआ है। इसको भरने के बाद आप रजिस्टर करेंगे। मैंने ये रजिस्टर पर जब क्लिक कर दिया तो आपके मोबाइल पर एक मैसेज आएगा, ये बताएगा कि आपने वैक्सीनेशन के लिए आपने आपको रजिस्टर्ड करा लिया है। रजिस्ट्रेशन कराने के कुछ देर बाद आपको अपनी लोकेशन, किस जगह आप अपना टीका लगवा सकते हैं, उस जगह के लिए आपका अपॉइंटमेंट फिक्स किया जाएगा और यहाँ पर आपको शेड्यूल पर क्लिक करना है, अपॉइंटमेंट फिक्स करना है। अगर आप शेड्यूल पर क्लिक करते हैं अपॉइंटमेंट के लिए तो आपको एक ऑप्शन दिखेगा कि आप लोकेशन वाइज सर्च करेंगे या फिर पिन कोड के से सर्च करेंगे, तो इसको आप सर्च करते हैं डिस्ट्रिक्ट वाइज के लिए। जब हम इसको सर्च करेंगे तो इसमें दो ऑप्शन आएंगे, पहले किस स्टेट से आप हैं वो स्टेट आपने क्लिक की, फिर आप किस डिस्ट्रिक्ट से हैं तो वो डिस्ट्रिक्ट आपने क्लिक की और इसको सर्च ऑप्शन पर डाल दिया। सर्च करने के बाद में आपके पास जो ऑप्शन आता है उसमें आप गवर्नमेंट में लगवाना चाहते हैं कि प्राइवेट पे लगवाना चाहते हैं, तो अभी आप देखिए अगर गवर्नमेंट आपको मिल रहा है तो आप गवर्नमेंट पे अपना अपॉइंटमेंट फिक्स कर लें और प्राइवेट पे लगवाना चाहते हैं प्राइवेट पे कर सकते हैं। अच्छा, एक और जरूरी बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसमें हम एक मोबाइल से 4 लोगों का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, जिसमें ये एड और जो का बटन है उसको क्लिक करके हम 4 लोगों का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इस तरह से आप किसी को भी गवर्नमेंट या प्राइवेट जो आपको उस समय अवेलेबल है आप वहां जाकर अपना वैक्सीनेशन के लिए डेट फिक्स करें, अपॉइंटमेंट फिक्स कर सकते हैं और उस तारीख में जाकर आप अपना वैक्सीनेशन कर सकते हैं। इसके अलावा ऑन साइट रजिस्ट्रेशन, अगर आप सेल्फ रजिस्टर नहीं करा सकते तो नजदीकी कोविड टीकाकरण केंद्र पर जा सकते हैं
वहां आप खुद को रजिस्टर करा सकते हैं। हाँ, एक बात जरूर याद रखें कि इसके लिए आपका एक वैध पहचान पत्र, एक आईडेंटिटी कार्ड आप अपना जरूर ले जाएं।